देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में है, स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो बाल वाहनी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में सभी नियमों की पालना हो रही हो, इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए आज एक मीटिंग रखी गई थी। स्कूल के सभी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग जो कि बाल वाहनियों के संचालन को देखते हैं, उनको बुला करके RDO भी थे वहाँ पर। डिटेल में एक मीटिंग हुई जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि सभी नियमों की पालना करें। मंडे से जिला पुलिस और जिला परिवहन जो है वो मिलकर के एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि ज़िले के सभी इस तरह की बाल वाहनियों को चेक किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी बाल वाहनियाँ चल रही हैं शहर में वो सुरक्षित रूप से नियमों को पूरी तरह से पालना करते हुए ही चल रही हैं। देखिए, इस बारे में ये उनको निर्देशित किया गया है कि बच्चों को सड़क पर उतारे नहीं। बच्चों को यदि संभव है, स्कूल में थोड़ी भी जगह है तो बच्चों को उतारने का और बच्चों को वाहन में बैठाने का पूरी कार्रवाई जो है वो स्कूल के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रोड पर बच्चों को बैठाने की प्रोसेस करते हैं तो एक तो पीछे के ट्रैफिक को दिक्कत होती है और किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस बारे में सभी लोगों को यह बताया गया है कि अगर आपके स्कूल प्रमिसेस में थोड़ी भी जगह है तो वाहनों को अंदर जाने दें, वहाँ पर ही बच्चों को उतारें और बैठाएं। बिना परमिट के वाहनों के लिए RTO साहब ने बहुत स्पष्ट बता दिया है कि कोई भी बिना परमिट का बाल वाहनी नहीं चलने दी जाएगी। जब हम लोग ये अभियान मंडे से कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2-3 दिन का समय उन्हें इस बात के लिए दिया है कि कोई भी छोटी मोटी कमी है तो आप उसे दूर कर लें, क्योंकि मंडे से कोई भी कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। उसमें हम परमिट चेक करेंगे, इस बात को इंश्योर करेंगे कि कहीं पर भी कोई बिना परमिट के या बिना फिटनेस के प्रमाण पत्र के वाहन नहीं चल रहा हो, क्योंकि यदि वाहन फिट नहीं है तो दुर्घटनाएँ होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती है।